हेलो साथियों, जय हिंद। मैं नीतीश सुंदरा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। और ये मुद्दा है, एक सोनू के चक्कर में पूरा सिस्टम में इतना हंगामा मचा हुआ है, बेरोजगारों का क्या, यानी बाकी सोनू का क्या होगा। बिहार में कई ऐसे सोनू हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे से लेकर के बेरोजगार तक, यानी अभी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं वैसे छोटे से बच्चों से लेकर के ग्रेजुएट पीजी पीएचडी किए हुए बेरोजगारों तक, ऐसे ढेर सारे सोनू हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान किधर है? तो सरकारों का ध्यान है, एक सोनू को चर्चा हो गई, मीडिया में हाईलाइट हो गया, सुशील मोदी हों या अन्य कई बड़े नेता हों उससे मिलने जा रहा है। कभी साहब ऐसे एक बेरोजगार से भी मिल लीजिए जो नौकरी की आस में है, जो बीएसएससी के सीजीएल फॉर्म में एडिट ऑप्शन की मांग कर रहा है, जो रेलवे में नौकरी की मांग कर रहा है जिसमें आपने 92,000 पद अभी हाल ही में ख़त्म कर दिए हैं, वो बीएसएससी में नौकरी की मांग कर रहा है और जिसमें कि अभी आपने बड़ा घपला करवाया है। तो ऐसे कई सारे सोनू हैं, इन सोनू को भी पहचानने की ज़रूरत है, इन सोनू को भी आपके मदद की ज़रूरत है, इस सोनू को भी, इन सारे सोनू को भी आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और अपने अधिकार की आवश्यकता है। और ये सोनू भी आवाज़ उठाते हैं, इन सोनू की भी थोड़ी सी सुन लीजिए। दिक्कत ये है कि बेरोजगारों का क्या होगा, ये ऐसा वर्ड है जिस पर शायद ही कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, सिस्टम में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर सरकार सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी की सरकार रोजगार के मुद्दे पर फ्लॉप है और पूरे देश की आज़ादी के बाद से अब तक भारत में अगर सबसे ज़्यादा कभी बेरोजगारी रही वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और बिहार में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जंगल राज से महाजंगल राज की ओर बिहार प्रस्थान कर चुका है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में। यहाँ रेलवे में हाल ही में 92,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है जो गैर संरक्षा से संबंधित हैं, यानी अब 92,000 लोगों को जो नौकरी की आस लगाए हुए थे वह बी फार्मा और डिप्लोमा और न जाने कितनी सारे कोर्स करके बैठे होंगे, उनको अब नौकरियां रेलवे नहीं देने जा रही है। 92,000 ऐसे पदों को ख़त्म कर दिया गया है और 92,000 तो सामने आया है और ना जाने कितने ऐसे पद जो समाचार में नहीं आ पाया, जो हमारे सामने नहीं आ पाया है, कितने सीट कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए गए हैं, ऐसे ना जाने कितने लाखों की संख्या में नौकरियाँ सरकार खा गई हैं, यानी हमारे हिस्से को, हमारे पेट के अनाज के हिस्से को, यानी हम जो पेट भरने के लिए खाते कमाते उसके अधिकार को सरकार गटक गई है बिना डकारे। और दूसरी तरफ बीएसएससी में एडिट ऑप्शन की मांग, सरकार की लचर लापरवाही और ख़त्म घटिया सिस्टम के अब यहां तक ये सब वर्ड यूज करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार मैं ये इस वीडियो मसले पर एडिट के ऑप्शन पर तीसरा वीडियो लगातार बना रहा हूँ, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रंगी है, बीएसएससी के कान पर जूं तक नहीं रंगी है। एडिट ऑप्शन बीएसएससी सीजीएल में इतना घटिया सर्वर है बीएसएससी का कि कई छात्रों का फॉर्म गलत भराया है, छात्रों ने कुछ और भरा, साइट ने कुछ और लिया और इस प्रकार गलतियां हुई है। और इन गलतियों को सुधारने के लिए छात्र लगातार कई दिनों से एडिट ऑप्शन की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, आयोग सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ बीपीएससी में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, घपला हुआ है और सरकार अपराधियों को, उन दोषियों को बचाने का काम कर रही है और कुछ छिटपुट छोटे मोटे लोगों को, अधिकारियों को गिरफ्तार करके यह दिखाना चाहती है कि हम जांच कर रहे हैं। सबसे पहले इस मामले में संलिप्त बड़े लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग भी लगातार चल रही है, लेकिन सरकार का ध्यान राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सोनू मोनू टोनू गोलू कितने व्यक्ति पर है और बेरोजगारों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चुनावी वादे बिहार में भी थे, 20 लाख चुनाव का वादा था, 10 लाख विपक्ष ने घोषणा किया था तो सत्ता पक्ष ने 20 लाख रोजगार देने का घोषणा किया था, लेकिन शायद 20,000 भी ढंग से अगर भर्ती प्रक्रिया बिहार सरकार संपन्न करवा दे तो शुक्रगुजार हों बिहार के युवा उनके, एक भी भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो कि पारदर्शिता पूर्वक संपन्न होती है। तो ये हालत है, बेरोजगार, भगवान भरोसे और ऐसे न जाने कितने सोनू बिहार सरकार और भारत सरकार के भरोसे हैं जिनके अधिकारों को, जिनके आवाज़ों को कुचला जा रहा है और उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो आप भी इस अंधकार में रहने की आदत डाल लीजिए, अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि आप अंधकार से उजाले की ओर आएँ तो क्रांति का रुख अख्तियार कर लें,
और अपनी आवाज़ को बुलंद कर लें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि शायद बहरी, गूंगी और अपाहिज बीएसएससी के कानों पर जुड़ेंगे, आरआरबी भर्ती बोर्ड के कान पर जुड़ेंगे और बीपीएससी के अधिकारी बीपीएससी के कानों पर जुड़ेंगे, बिहार सरकार के कानों पर जुड़ेंगे और भारत सरकार के कानों पर भी जुड़ेंगे, ताकि थोड़ी भी अगर आवाज़ सुन ली जाए तो शायद हम बेरोजगारों का कल्याण हो जाए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।